नमस्कार दोस्तों, मुझे लाइफ में फिर से स्वागत। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ डीएनएस के बारे में और बीएससी नॉटिकल्स के बारे में। कई लोग का क्वेश्चन आया था यार मेरे पास कल रात को भी, लोग पूछ रहे थे डीएनएस के बारे में बताओ और बीएससी नॉटिकल्स के बारे में बताओ। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई है, आप लोग देखे नहीं देखे जो नए लोग उन लोगों के लिए बता दूँ और जो पुराने लोग भी उन लोगों के लिए भी फिर से बता देता हूँ। जो डीएनएस है वो 1 साल का ही कोर्स होता है, 12 मंथ का कोर्स होता है। स्पॉन्सरशिप कॉलेज करते हैं या डीजी शिपिंग अप्रूव कॉलेज करते हैं, कई स्पॉन्सरशिप कॉलेज भी हैं जो करते हैं और जो नॉन स्पॉन्सरशिप भी वो भी करती है, डीजी शिपिंग अप्रूव कॉलेज करते हैं। तो डीएनएस का हिसाब बता दो, डीएनएस 1 साल का कोर्स है, पीसीएम चाहिए उसके लिए 55-60% के बीच में ओवरऑल होना चाहिए और पर सब्जेक्ट पीसीएम में होना चाहिए। पीसीएम मांगता है उसमें, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ओनली पीसीएम, आर्ट्स कॉमर्स वाला बंदा नहीं कर सकता डीएनएस। जिसके पास है 12th के बाद तो वही कर सकता है। तो उसके लिए आपको एक पेपर क्लियर करना पड़ता है, IMU CET का पेपर होता है, वरना आप उस कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट होता है जैसे GP का होता है, तो वैसे एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको क्लियर करोगे फिर जाके आपको एडमिशन मिलता है। 1 साल का कोर्स होता है, उसमें 1 साल के बाद जैसे आप कोर्स क्लियर करते हो, अगर स्पॉन्सरशिप आपको दे रही है कंपनी तो उसके बाद आपको 18 मंथ के लिए सेल के लिए दे देंगे। 18 मंथ सेल करो, सेल करने के बाद जाके आप मेड का एग्जाम क्लियर करो, इंडिया से करो वरना UK चले जाओ, जहाँ से भी आपको सही लगता है वहाँ से कर सकते हो। तो आप इंडिया से मेड का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप एज अ COC मिलने के बाद एज आप थर्ड ऑफिसर जा सकते हो शिप पे। तो ये कई लोग का डाउट है कि ये लोग पूछ रहे थे कि अगर हम DNS करके इंजन साइड में जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते इंजन में। DNS करके आप सिर्फ डेक में आ सकते हो, सिर्फ डेक में, और इंजन वगैरह में नहीं जा सकते। इंजन के लिए अलग VTEC मरीन इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी आपको, तो इंजन में आओगे तो उसके लिए जो DNS करता है वो सिर्फ डेक में ही करता है, और जो DNS की पढ़ाई होती है सिर्फ डेक की पढ़ाई होती है। ओवरऑल डेक के बारे में बताएंगे, नेविगेशनल्स के बारे में, नेविगेशनल जो भी इक्विपमेंट है, स्टीयरिंग के बारे में बताएंगे, जो भी है ओवरऑल सिर्फ डेक का, सिर्फ डेक का और कुछ नहीं बताते, सिर्फ डेक का बताएंगे। इंजन में नहीं जा सकते आप करने के बाद, आपको सिर्फ डेक की COC मिलती है और CDC भी जब कोर्स कर लोगे DNS तो आपको वो मिलेगी। तो 18 मंथ के बाद आप एज अ पेपर के लिए जा सकते हो, पेपर क्लियर करने के बाद एज अ फिर आप थर्ड ऑफिसर सेल कर सकते हो एज अ COC पे। तो और BSc नॉटिकल्स का क्या हिसाब है उसका मैं बताता हूँ, BSc नॉटिकल्स का क्या हिसाब है। BSc नॉटिकल्स 3 साल का कोर्स होता है, उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं BSc नॉटिकल्स जो होता है, वो भी सेम यही चीज़ है, लेकिन वो थोड़ा लंबे में, उसको इलेबरेट करके लंबे में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो चीज़ सेम है। और यहाँ का जैसे आप 1 साल यहाँ वेस्ट कर रहे हो DNS में 1 साल करने के बाद, फिर 18 मंथ आप सेल कर रहे हो, तो कितना हो गया 12, ये हो गया 18, ये हो गया 30 मंथ हो गया। 30 मंथ के बाद ही आप जाके बनोगे ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर DNS की बात बताऊँ। और यहाँ क्या हिसाब है, जब 3 साल करने के पढ़ाई करने के बाद, जैसे कि 36 मंथ पढ़ाई करने के बाद एज ए 6 मंथ, उसके बाद आप सेल करोगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो मेड का एग्जाम देने के लिए डेक साइड से। इसमें भी डेक साइड से जाओगे, ये नहीं कि इंजन से जाओगे, BSc नॉटिकल करने के बाद सिर्फ इंजन से और डेक से ही जा सकते हो, इंजन में नहीं जा सकते। तो ये फंडा दोनों सेम है, लमसम 40-40 मंथ यहाँ पे भी लगते हैं, 40 मंथ DNS में भी लगेंगे। तो दोनों हिसाब सेम है, दोनों सेम टाइम पे आप ऑफिसर बनोगे, आपके ऊपर आप कब एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो। तो दोनों का हिसाब सेम है, कोई नहीं कि DNS बेस्ट है तो BSc नॉटिकल बेस्ट है, दोनों बेस्ट है अपने हिसाब से। लेकिन मेरा, मैं प्रीफर करूँगा आप DNS करो, DNS सही रहेगा 1 साल के लिए वहाँ पे। उसके बाद आपको ऑन बोर्ड ट्रेनिंग जब मिलेगी 18 मंथ, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे ऑन बोर्ड पे, उसके बाद बहुत नॉलेज मिल जाती है, उसके बाद आप पेपर के लिए जा सकते हो, जाओ पेपर क्लियर करो। और अगर नहीं होता है पेपर क्लियर तो फिर आप क्रेडिट पे ही सेल करोगे, ऐसा नहीं है कि अब दोबारा नहीं, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक क्लियर करो, उसके बाद ही आना जो भी DNS करता है। ये नहीं कि 18 मंथ सेल करने के बाद फिर पेपर निकालो, उसके बाद ही वापस आओ शिप पे, जब क्लियर कर जाओगे COC हाथ में आ जाएगी, उसके बाद आप सेल मारो दबा के, एज ए आप सेकंड ऑफिसर तक ऑन बोर्ड प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे चीफ ऑफिसर बनने का है या कैप्टन बनने का, तो उसका पेपर देना पड़ेगा आपको, तो वो आप दे सकते हो जब भी आप लगे कि हम दे सकते हैं। तो वो हिसाब है, दोनों में यही फंडा है। BSc नॉटिकल्स का जो भी बंदा पूछ रहा था सेम जो DNS का हिसाब है वो भी BSc नॉटिकल्स का हिसाब है, बस यहाँ पे ये होता है कि इसमें 18 मंथ मांगता है सेल तब एलिजिबल हो, और इसमें है कि 6 या 6 मंथ के बाद आप एलिजिबल हो, कभी भी दे सकते हो BSc नॉटिकल्स, तब मेड का आप जा सकते हो पेपर देने। तो आप लोग का जो भी पूछा था यार उसका मैंने डाउट क्लियर कर दिया हूँ। बार बार मैं नहीं बनाऊंगा यार DNS और BSc, मैंने बनाई है वीडियो, उन लोग देखे नहीं होंगे, लेकिन मैंने बनाई है इसके रिलेटेड वीडियो, लेकिन फिर बना दी मैंने। लेकिन चलो कोई नहीं, जिसका भी डाउट होगा, नए लड़के जो भी सुन रहा है उसको हम क्लियर हो गया होगा। PCM मांगता है यार, आर्ट्स और कॉमर्स वाले नहीं कर सकते, जो भी बंदा सुन रहा है आर्ट्स और कॉमर्स वाला नॉट अलाउड है। अगर आपके पास साइंस है तो ही आप कर सकते हो, और जब आप पेपर क्लियर कर लोगे वहाँ का तो आप कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप कॉलेज से भी कर सकते हो, नॉन स्पॉन्सरशिप कॉलेज से भी कर सकते हो, बस डीजी शिपिंग अप्रूव्ड होना चाहिए वो कॉलेज, और कुछ नहीं लफड़ा। बाकी जितना था मैंने आप लोगों को बता दिया, PCM चाहिए, PCM मस्ट है, और जो भी अब डाउट होगा नहीं आप लोगों का मैंने क्लियर कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।